वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ प्रगति। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। और आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ, सोचिए क्या, कट के बारे में। दही जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, खाने से तो होता ही है, लीवर फंक्शन अच्छा, दही से ब्राइट स्किन ब्राइटिंग रहती है, टाइट रहता है स्किन, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज भी रहता है, तो काफ़ी बेनिफिट है। और मैं इसको हमेशा यूज़ करती थी क्योंकि आपको पता है फेशियल करने के लिए हमेशा पार्लर जाओ, ये हमेशा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। और सच में आदमी इतनी बिजी लाइफ में होता भी नहीं है, कभी कभी नहीं लगता है। और मेरे को लगता है ना कि फाउंडेशन मेकअप वेकअप करके हमेशा रहना मेरे पता नहीं, मेरे को पसंद नहीं। कभी कभी मैं कर लेती हूँ पर मेरे को इतना पसंद नहीं है मेकअप करना। तो मेरे को लगता है कि नेचुरल जो चीज़ लगा के आपकी स्किन अच्छी रहेगी तो सामने वाला बंदा भी बोलेगा वाह स्किन क्या अच्छी है। पर इतनी अच्छी स्किन नहीं है मेरी, फिर भी मैं ट्राई तो करती हूँ कि नहीं अच्छी हो। तो उसके लिए दही लगाती हूँ मैं हमेशा, दही मतलब कट फेशियल भी करती हूँ, स्क्रब्स में दही का ज़्यादा तो यूज़ करती हूँ, नहीं कॉफ़ी पाउडर का। पर मैं ये बोलूँगी कि दही खाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ पानी भी ज़्यादा पीना जरूरी है, और उसको फेशियल भी करते हैं देखते हैं कभी। हाँ मैं पहले रेगुलर करती रहती थी पर अभी क्या हुआ ना, होता ना कभी कभी यार कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा करके मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है, जो अच्छी नहीं है आप मत करना। तो रेगुलर करते रहोगे महीने में 2 या 3 बार तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। तो मैंने सोचा, इतने दिन मैंने भी सोचा, अभी मेरे को लगा नहीं यार मेरी स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो मैंने कहा अभी फिर स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैं रिव्यू दूँ, पहले मैं रेगुलर करती थी और इसको सच मैंने ईयर मार्क्स भी लगाया तो बहुत ही बेनिफिट मिला। तो आज मैं ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ क्या लेना। सबसे पहले क्या लेना है, कट आपके घर में यदि घर का दही हो तो अभी बेनिफिट है, नहीं हो तो मार्केट से चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे। स्क्रब के लिए भी मैं बताऊँगी आपको, सबसे पहले स्क्रब करने के लिए आपको दही, आपको जो भी स्क्रब करना है ना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यदि आपके पास राइस के पाउडर हो तो बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है कि राइस पाउडर ना आपकी स्किन को ब्राइट रखता है, रिंकल से भी बचाता है और बहुत अच्छी क्लीन भी होता है, मतलब ये क्लींजर का बहुत अच्छा, स्क्रब का बहुत अच्छा काम करता है। और यदि आपके पास नहीं हो तो आप शुगर डाल के भी कर सकते हो। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही, ये है राइस पाउडर, आपको 1 स्पून राइस पाउडर पहले मुझे लेना है। राइस पाउडर लिया है मैंने, राइस पाउडर लिया है, उसके साथ मैं अभी कट अप्लाई करूँगी। उसको कट डाल के मैंने इसको पेस्ट किया है, अब इसको मैं अपने फेस में अप्लाई करूँगी। मैं किस तरह अप्लाई करूँ, मिक्स कर लिया है, अब अप्लाई करूँगी। अभी मैं राइस पाउडर के साथ कट अप्लाई कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ। और आपको पता है राइस पाउडर जो है वो आपकी स्किन को ब्राइटिंग रखता है, टाइट रखता है और बहुत अच्छा क्लींजर का काम भी करता है और स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, सॉफ्ट भी रखता है, क्योंकि राइस पाउडर हमेशा ब्राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको सर्कुलर मोशन से हल्के हाथों से अपने फिंगर टिप से मसाज कीजिए और कम से कम 1 मिनट करने के बाद आप उसको फेस वॉश कीजिए, फिर आप अपना रिजल्ट देखते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ मसाज हल्के से, फिर अपना मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दही और एक चीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, जिन लेडीज़ या जेंट्स का यूरिन इन्फेक्शन है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। आप यदि इसको कंटिन्यू खाओगे तो आपके यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हो आप। क्लियर और साफ लग रही स्क्रब करने के बाद। अभी मैं इसको पहले मैंने स्क्रब किया था, अब मैं इसे सिर्फ दही को अप्लाई करूँगी और कंटिन्यू मसाज करूँगी थोड़े। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी क्लियर और साफ दिख रही है, बिल्कुल साफ है। आप यदि अब बिलीव नहीं करोगे, आप कंटिन्यू करोगे ना, आपकी स्किन एकदम क्लियर और साफ दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी। अभी मैं पैक लगाती हूँ, लगा रही हूँ। उसमें मैंने लिया है बेसन, उसके साथ चुटकी सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है और मैंने हनी ली है और कट मिलाया है।
अब इसको मिक्स करना है, फिर अपने फेस में अप्लाई करना है। कम से कम 5 to 10 minutes आप इसको रखें, फिर आप उसको वॉश करके आप रिजल्ट देखें। यदि रेगुलर आप करते रहोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप ट्राई कर सकते हो। मैं तो करती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो। यदि अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट्स करो कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। मतलब क्लीन करके ही मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और शाइन और क्लियर लग रही है। और आप करने के बाद तो खुद आप रिज़ल्ट देख पा रहे हो ना, क्लियर कितनी होती है। अभी मैं फेस में सीरम अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप जब अपना पूरा क्लीन कर लोगे तो आपकी स्किन में आप सीरम अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। तो अभी मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। और कट जो है ना, हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। आपको पता है कि जिनकी मलास्मा की प्रॉब्लम्स है, लिवर्स की प्रॉब्लम है, स्किन में जिनकी पिगमेंटेशन मलास्मा की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो हमेशा बोला जाता है कि आपको कट हमेशा खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। लिवर की प्रॉब्लम भी हो या डाइजेशंस की जिनकी प्रॉब्लम होता है, उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा लेडीज लोग को तो हमेशा बोला जाता है कि उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है, पर्टिकुलर जिनकी स्किन की प्रॉब्लम्स है। और आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट तो जब भी पॉसिबल होगा। मैं भी ठंड का वेदर है तो दही लगाना सर में थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, मैं पर दूंगी आपको। इसका हेयर मास्क भी बहुत अच्छा आपके लिए बहुत बेनिफिट है, जो बहुत शाइनिंग और सिल्की रखता है। तो दही आप ज़्यादा से ज़्यादा खाया कीजिए, उसके साथ आपके साथ स्किन में भी इसको अप्लाई किया कीजिए, ये आपके स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट है। और आज की ब्लॉग में यदि आपको मेरी जो फेशियल है वो अच्छी लगे, या आपने ट्राई की है जो आपके स्किन में अच्छी रिजल्ट आई है, तो आप प्लीज़ इसका कमेंट्स आप किया कीजिए, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल्स। ओके, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।